अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है कोविड 19 को लेकर, क्या है अब तक के आंकड़े कोविड 19 को लेकर, ये हम आपके सामने बताते चले। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे देश में 215,125 एक्टिव केसेस पाए गए, जिनमें से अब तक मरने वालों की तादाद है 16,892। ये हमारे देश के अब तक के आंकड़े हैं, जिनमें से मैं आपको बताता चलूं कि दिल्ली में ताज़ा आंकड़े ये है 2,844 पॉजिटिव केसेस को पाया गया। वहीं पर हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में कल 975 पॉजिटिव केसेस पाए गए। आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने आज देश से मुखातिब होते हुए क्या कहा, हम आपको बताते चले। 1,75,000 करोड़ का पैकेज सेंक्शन किया है, खासकर गरीब गुरबा आवाम के लिए। वहीं पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि लॉकडाउन की शुरुआत में 31,000 करोड़ गरीब जनता के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। अब किसी को मिले किसी को नहीं मिले, ये अपनी अपनी नसीब की बात है। जैसा कि हमारे देश की कुल मिलाकर तादाद है 130 करोड़, वहीं पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये वादा किया कि देश की गरीब आवाम 80 करोड़ आवाम को 5 महीने तक मुफ्त राशन देगी और उनके अकाउंट में पैसे भी डाले जाएंगे। और वहीं पर हमारे पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हम शुक्र अदा करते हैं हमारे किसानों का, जिनकी वजह से हमें खाने को खाना मिल रहा है, किसान का अहम रोल बताया हमारे देश में। वहीं पर जो हमारे देश में जितने भी लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उनका भी शुक्रिया अदा किया कि उन्हीं की वजह से हम गरीब आवाम की मदद कर सक रहे हैं, इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा। खैर, जो गरीब आदमी गाड़ी में पेट्रोल डालकर फिरता है या डीजल डालकर फिरता है, उसका शुक्रिया अदा करना भूल गए, क्योंकि हम 3 गुना बढ़कर पैसे देकर पेट्रोल और डीजल ले रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे कंट्रियों के मुकाबले में जो वहाँ पे पेट्रोल और डीजल का जो रेट है उसके मुकाबले में हमारे देश में 3 गुना बढ़ के पैसे ले रही है देश की हुकूमत। तो हम जैसे आप जैसे गरीब लोगों का भी शुक्रिया अदा करना था, क्योंकि आप और हम भी जो है गाड़ी में पेट्रोल डालकर घूमते हैं, रोजाना अच्छा खासा पेट्रोल डलाते हैं। तो हमारे देश की आवाम को जुलाई से लेकर नवंबर तक, यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 5 महीने का जो राशन दिया जाएगा उसके लिए 90,000 करोड़ का पैकेज बनाया गया। ये उसी में से बनाया गया, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था 175 करोड़ का जो पैकेज बताया था, उसी में से 90,000 करोड़ का ये पैकेज बनाया गया, जिसमें से 5 महीने तक गरीब आवाम को राशन मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे तेलंगाना की हुकूमत की, तो हमारे तेलंगाना की हुकूमत में क्या करने वाले हैं या क्या होने वाला है, फिर आवाम को क्या सहूलत पहुंचने वाली है, इसकी भी कोई इतला नहीं आई। वहीं पर यूं सुनने में आया है कि जुलाई की 2 तारीख को कैबिनेट मीटिंग बैठेगी, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि लॉकडाउन कब से करना है और कब तक करना है। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर कोविड 19 को लेकर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।